क्लियर नहीं है और मेरा मन जो है सर्वत्र ब्रह्म की व्याप्ति में ज्यादा अज्ञान में ज्यादा है, तो क्या इष्ट देव बनाना आवश्यक है या मैं किसका ध्यान करूं? जब मैं सब जगह भगवान को देखता हूं तो मैं किसका ध्यान करूं? एक शरीर में कैसे भगवान को देखते हैं आप? अपने शरीर में? शरीर में तो ये कहा जाता है कि हृदय में उनका वास है, लेकिन वो उनका अंश है। तो अगर मैं सर्वत्र व्याप्त के देखता हूँ, उस अंश का मैं नहीं कर पाता हूँ कि ये अंश है। हमें सर्वत्र व्यापक है, लेकिन जब आग व्यक्त की जाती है तब दाह और प्रकाश उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट वर्ष में लिया कलय में अग्नि है या नहीं, आग है या नहीं, तो उससे प्रकाश प्राप्त हो जाएगा आपको, गर्मी प्राप्त हो जाएगी। व्यक्त करने से ना, व्यक्त करने पर निराकार निर्गुण कोटि की जो आग है वो फलप्रद हो पाती है। इसलिए अभी आपको सगुण साकार की उपासना करनी चाहिए। उपासना आपकी बहुत अभी दुर्बल है, वेदांतियों के चपेट पर आकर आप वेदांती बन गए। धर्म का पालन कीजिए और भगवान की उपासना कीजिए। आपके इष्ट देव शिव पार्वती हैं। बैठे।